हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम एक ऐसे अवतार के बारे में बात करने वाले हैं जो रोस्टिंग तो करता है बिल्कुल चींटी जितनी, लेकिन पता नहीं वो अपने आप को क्या समझता है। हम रोस्टर का काम होता है आप लोगों को हंसाना, लेकिन वो बंदा खुद के ही डबल मीनिंग जोक मार के खुद ही हंसता रहता है। बंदे के बारे में बात करने वाले जो रोस्टिंग के सिवाय और सारे काम करता है, पूरे दिन हंसता रहता है। नहीं नहीं, हम ट्रिगर निशान के बारे में बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं राकेश सावंत के बॉयफ्रेंड, ये वाले राकेश सावंत, इनके बॉयफ्रेंड धीरू मौंचिक के बारे में। और हाँ, ये एक रोस्टर और एक रैपर है, ऐसा इसकी ऑडियंस का मानना है, क्योंकि ये रोस्टिंग तो करता है KRK जैसी और रैपिंग करता है थारा भाई जोगिंदर जैसी। तो आज हम इसी अतरंगी के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए देखते हैं बलारा। हाँ, मूवी में एक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा है, थोड़ा इनलॉजिकल सा था। एक था ट्रेन के ऊपर और एक था बस के ऊपर, और हमर के ऊपर लड़ रहे होते दुबई के बीच में। वहाँ क्या होता है, अरे भाई ये सर मत फोड़ दिए, मेरा पठान का चटान बन जाएगा। माय गॉड, इतनी हैवी कॉमेडी कर दी, आज मेरे को पानी ला के दे दो, वरना आज तो मेरा हंसी के मारे पेट फट ही जाएगा। भाई इससे बड़ी एक्टिंग तो वो राहुल गांधी का लेता है, उसका फॉर्मूला नहीं है आलू डालो सोना बाहर आएगा। अगर मैं तेरे को अंदर डालूंगा ना, तो तेरे का दीपक कलाल बाहर आएगा, और तू दिखता भी दीपक कलाल जैसा है। प्रेजेंट टूटा हुआ दिल, मतलब नहीं भाई, इसका मतलब क्या है, कितना गम भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। और हाँ, वो कहाँ गई तुम्हारी दोस्त सलोनी आपा, क्या हुआ, उसने भी तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लिया? हाँ भाई, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, एक जंगल में दो शेर और एक वीडियो में दो कंटेंट कभी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। बाल बनाने के साथ साथ दाढ़ी भी बनानी पड़ती है। ये देखो ना कंगना, बालों के साथ साथ दाढ़ी में भी फेरना पड़ता, तो मैं सोच रहा हूँ अब काट लेते हैं। सही, नवंबर तो गया, नो सेम नवंबर खत्म, अभी दिसंबर शुरू। बता दो कमेंट सेक्शन में, काट लूं या फिर अभी और इसको पानी तेल शैम्पू लगा लगा के ग्रो करता रहूं। नहीं भाई, तो मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को, तुम यहाँ पर रोस्ट करने आए हो किसी का या क्या कर रहे हो? नहीं, पहले तुम व्लॉग बना रहे हो, फिर कह रहे हो गाइस मैं दाढ़ी काटूं या नहीं काटूं। नहीं भाई, ये सब क्या है? नहीं भाई, हमें रोस्टिंग देखने आए हैं, एक बार तुम्हारी दाढ़ी देखने आए हैं। नहीं भाई, तुम कुछ मत काटो, तुम्हारी दाढ़ी जो है बकरी जैसी। तुम एक काम करो, सबसे पहले अपने हाथ ही काट लो, इतनी गंदी स्क्रिप्टिंग करते हो तुम लोग। कभी कभी तो मैं भी सोचता हूँ कि लड़की ही होता, इतनी मेहनत करने की जरूरत तो नहीं पड़ती, रातों रात जाग के वीडियो तो नहीं बनानी पड़ती, दो चार ठुमके मार देता मैं भी इंस्टाग्राम पे। भाई तेरे को लड़की बनना है ना, रात भर मेहनत नहीं करनी है, ये सब कुछ नहीं करना, तो आ मेरे पास, मैं तेरे को साड़ी वाड़ी पहना के टोल नाके पे बैठा जाता हूँ, वहां पे खूब दिन रात रील बनाइयो, और रात रात तेरे को ना स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, वो भी इतनी गंदी स्क्रिप्टिंग के लिए। तो भाई तू एक काम कर, मेरे पास आ जा, मैं तेरे को अच्छे से लड़की बना देता हूँ। तुमने ट्रेलर में भी देखा होगा, शाहरुख खान और जॉनी इब्राहिम जो है एक बस के ऊपर लड़ रहे होते हैं, तो भाई इधर हेलीकॉप्टर होता है, इधर हेलीकॉप्टर होता है, एक होता जॉनी इब्राहिम के लॉन्डो का, एक होता शाहरुख खान के लॉन्डो का, तो भाई वो नीचे लड़ रहा है एकदम मस्त। मैं वहाँ बैठ के ये सोच रहा हूँ थिएटर में कि बैच ऊपर वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे, ये गोलियां बोलिए चला के एक हाथ को उड़ा दे दोनों में से। मुझे भाई मेरे को एक बात बता, तू क्या जिंदगी में पहली बार मूवी देखने गया? नहीं नहीं भाई, तेरे को ये भी नहीं पता कि मूवी भले हीरो को 100 गोली लग जाए और विलन को एक गोली लग जाए, हीरो 100 गोली में भी नहीं मरेगा, लेकिन विलन एक गोली लग गई वो मर जाएगा। भाई तेरे कुछ आता जाता स्क्रिप्टिंग तू करता कैसे भाई? देखते तो मेरे को स्क्रिप्टिंग ही समझ में नहीं आती, कुछ भी बस अपने डायलॉग पे हंसता रहता है। पूछोगे मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा? हाँ भाई देखाओ, मैं मजे ले आया, तुम्हें क्यों रोकूंगा, बैन कर फिर जाके देख के आओ, छिनाल देखो तुम भी। बस बस बस, 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 बस मैं कह रहा हूँ यही चीज मेरे को इसकी बिल्कुल पसंद नहीं है, डबल मीनिंग में बातें करके जो हमको समझ में आएंगी नहीं, और फिर खुद ही जोक मार के खुद ही हंस के निकल लेगा। भाई एक बात, तो कुछ नशे वसे करता है, सस्ते नशे की भांग रगड़ता रहता है, पता नहीं क्या करता है, फिर पेट्रोल सूंघ सूंघ के नशा करता है, फिर आके वीडियो बनाता है। न जाने कितने युवक शिकार हैं इन मादक पदार्थों का, कोई इनकी मदद क्यों नहीं करता, ये भी आप जैसे हैं, सस्ते नशे ना करें ना करने दें। भाई इस बेचारे को हो चुकी है बीमारी, अब मैं भी क्या करूं, मैं भी जा रहा हूं। आई होप एंजॉयड द वीडियो, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तो भाई मैं भी जा रहा हूं, अब ऐसी क्रिंजी वीडियो बनाऊंगा और मैं भी 3 मिलियन सब्सक्राइबर लेके जाऊंगा। हटो, मैं नहीं कर रहा यहां पे मेहनत।